हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप ग्लोरीज। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं निकल गई हूँ एक नए सफ़र पर और नए प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज मैं आई हूँ सेवन वंडर्स पार्क। एक्चुअली इसका नाम पहले शिवार गार्डन था। जब से यहाँ पर सेवन वंडर्स बने हैं तो इसका नाम सेवन वंडर्स, सात नमूने, पता नहीं, न जाने बहुत सारे नामों से इसको बुलाते हैं। और अभी इसका नाम है वर्धमान फैंटेसी अम्यूजमेंट पार्क। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आना कैसे है। जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ से आपको ट्रेन लेना है और आपको मीरा रोड उतरना है। मीरा रोड स्टेशन से आपको ऑटो लेना है जो कि आपको 25 रुपीस में वर्धमान फैंटेसी अम्यूजमेंट पार्क छोड़ देगा। और यहाँ के लोकल्स इसको सराफ गार्डन भी बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस है मीरा रोड में। तो आप देख सकते हो मैं सेवन वंडर्स पहुँच गई हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टिकट काउंटर है और यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है। सिर्फ 2 रुपये का टिकट है। एंट्री के लिए सिर्फ 2 रुपीज़ का टिकट लगता है यहाँ पर। 2012 में ये गार्डन बना था। पहले ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन अभी मीरा रोड एक्चुअली ये गार्डन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। एंड दूसरी चीज़ ये है, हर कोई सेवन वंडर्स देखने दुनिया में नहीं घूम सकता, तो इसीलिए ये गार्डन बनाया गया है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, मुंबई में जो लोग रहते हैं, वो सेवन वंडर्स का नज़ारा यहाँ पर आकर ले सकते हैं। और ये गार्डन इतना बड़ा है कि यहाँ पर शादी या कोई भी फंक्शन आप करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है। तो और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे टॉय ट्रेन्स और बाकी सब एक्टिविटीज़ है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। तो किड्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। देख सकते हो लंदन बस और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसका टाइमिंग है सुबह 10 से लेके शाम को 10 बजे तक। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे विज़िट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो ये इवनिंग 4 या 5 के बाद आप यहाँ पर आइए और रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। तो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंजॉय इवनिंग में कर सकते हो, क्योंकि क्राउड भी अच्छा रहता है और धूप भी नहीं रहती है। तो ये टाइम सबसे बेस्ट है विज़िट करने के लिए। और दूसरी चीज़ है, जब भी क्राउड होता है तो सारे राइड्स चालू कर दिए जाते हैं और इवनिंग में ये राइड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे इसके 50 रुपीज पर पर्सन है। वो भी जरा चालू कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब देख सकते हो आप, 50 रुपीज पर पर्सन है। राइड्स वगैरह मेरे सामने और यहाँ पर जो ओनर है ये सबके, उन्होंने मेरे लिए 10-15 मिनट के लिए म्यूजिक बंद किया है क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट ना आए इसके लिए और मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ इसलिए। तो मैं वो अंकल को थैंक यू सो मच, अंकल आपने मेरे लिए इतना किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ऐसा कोई भी नहीं करता है, बहुत सारा थैंक यू अंकल। ये फूड कोर्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये ब्रेक डांस है जो कि अभी बंद है फिलहाल। यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे राइड हैं और सारे राइड के पर पर्सन के सिर्फ 50 रुपीज़ हैं और इनका एक साथ पैकेज भी आता है 200 रुपीज़ में, जिसमें आप 10 to 15 राइड्स रहता है जो आप कर सकते हो।
और बुकिंग काउंटर 12 बजे चालू हो जाता है। डिपेंड करता है लोगों पे, जैसे लोगों की भीड़ रहती है उस हिसाब से यहाँ पर सब कुछ चालू करते हैं। तो अभी तो काफ़ी रश है, आप लाइन भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग रही है। जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सकते हो आप, शाम हो गई है और जैसे जैसे शाम हो रही है और एक और ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब। हम लोग वीकेंड पे सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाएं, इंजॉय करें, और हम लोग हमेशा है ना बाहर बाहर की प्लेसेस पे जाने का सोचते हैं, लेकिन हमारे आसपास भी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं होती। मतलब सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे जैसे जो लोग हैं, तो मीरा रोड में इतना अच्छा पार्क है, शायद ही सबको पता होगा। तो यहाँ पर जो भी राइड्स वगैरह थे वो लेफ़्ट साइड में था, अभी हम आगे राइट साइड में जहाँ पे 7 वंडर्स हैं। तो यहाँ पे एंट्री फीस जो है 50 रुपीज़ है पर पर्सन। तो ये है 7 वंडर्स में से एक वंडर ताजमहल, और इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। और कितना ब्यूटीफुल है ये, ये है एफिल टावर जो कि है पेरिस में, और इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है। ये आप देख सकते हो, क्राइस्ट द रेडीमर। इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, और आप की प्लेस देख रहे हो, एकदम ग्रीनरी है, नेचर के बीच में 7 वंडर्स। और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, मतलब ये बेचते भी है। किंचन इज़ा जिसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में लिखा है, ये जिनी है, और ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पर यहाँ पर इतना सब सामान रख के ख़राब कर दिया है, अगर चार्जेस ले रहे तो इसको मेंटेन करना चाहिए, सब कचरा यहाँ पर रख दिया है। ये टावर ऑफ पीसा है जिसके बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली और कैसे बनाया हुआ है सारी डिटेल। यहाँ पर दो फार्म पीपल करके यहाँ पे फार्म भी है, और यहाँ पर ये ग्रास की क्या क्या बेनिफिट है वो सब दिया है, जो जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ है और उनके बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब प्लांट इन लोग सेल के लिए रखते हैं, ये सब आप खरीद सकते हो। आप देख सकते हो ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, ये सब कुछ सेल के लिए है। बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पे आपको सारा गार्डन डेकोर की चीज़ें मिल जाएगी। Yeah.
इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। और प्लीज़ ये जगह पे एक बार ज़रूर विजिट करना, अगर आप मुंबई में रहते हो या नियर बाय मुंबई रहते हो तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर ज़रूर आना। आप देख सकते हो कितना अच्छा प्लेस है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत पीसफुल प्लेस है।